कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवक्त मौत को भी बदल देते हैं। इतना खून देख के लगता है इसे बड़ी बेरहमी से मारा है। सर, ये खून उसका नहीं, हमारे लोगों का। कौन होगी अधीरा की लव इंटरेस्ट? आखिर कितनी लड़कियों से था संजय का अफेयर? कितनी शादी कर चुके हैं संजय? नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। संजय दत्त पूरी फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि पूरे देश में हर कोई इस नाम को जानता है और इनका काफी सम्मान करते हैं। आपको बता दें कि संजय दत्त बॉलीवुड के बहुत बड़े और नामी सितारे हैं जिन्होंने अपने अभी तक के फिल्मी करियर में काफी सारी हिट और सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिसके चलते आज के समय में उन्हें पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती है। संजय दत्त ने अपने अभी तक के बॉलीवुड के करियर में काफी सारी हिट और सुपरहिट फिल्में दी हैं। संजय दत्त आज के समय में भी काफी सारी हिट फिल्में दे रहे हैं और सभी को अपना दीवाना बना रही हैं। अब इस फिल्म में शमशेरा KGF 2 भी शामिल होने जा रही हैं। दोस्तों बता दें कि संजय दत्त को उनके चाहने वाले लोग संजू बाबा के नाम से पुकारते हैं और उनकी काफी इज्जत भी करते हैं। वर्तमान समय में संजय दत्त अपनी निजी जीवन की वजह से काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि संजय दत्त बड़े और रंगीन मिजाज के आदमी हैं और उन्होंने एक या दो नहीं बल्कि तीन शादियां की हैं। वर्तमान समय में वो अपनी तीसरी पत्नी के साथ जीवन बिता रहे हैं। दोस्तों संजय दत्त के बारे में आप सभी जानते ही होंगे कि उन्होंने अपने जीवन में कितना मुश्किल समय देखा है। ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि संजू बाबा को कई बार जेल में जाना पड़ा था और कई रातें वहां गुजारनी भी पड़ी थी। संजू बाबा के बारे में बताएं तो उन्होंने एक नहीं बल्कि तीन लड़कियों से शादी की है। संजय दत्त ने पहली शादी ऋचा शर्मा नाम की अभिनेत्री से की, लेकिन शादी के कुछ साल बाद उनकी डेथ हो गई। पहली पत्नी के जाने के बाद संजय दत्त ने दूसरी शादी प्रिया पिल्लई से की थी, लेकिन ये शादी भी ज्यादा नहीं चल पाई क्योंकि कुछ समय बाद ही दोनों अलग हो गए थे। इसके बाद संजू बाबा ने तीसरी शादी की जिनका नाम मान्यता दत्त है। दोस्तों आपको बता दें कि यही संजय दत्त की असली जीवन साथी साबित हुई, क्योंकि संजय दत्त के मुश्किल समय में भी मान्यता उन्हें छोड़कर नहीं गई, जिसके चलते उनका आज एक सफल परिवार है। इन्हीं कारणों से संजय दत्त को रंगीन मिजाज का आदमी बोला जाता है। बता दें कि संजय दत्त बॉलीवुड के नामी अभिनेताओं में से एक है जो कि इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं। दोस्तों ऐसा बताया जा रहा है कि संजय दत्त के 340 लड़कियों से भी ज्यादा संबंध रह चुके हैं। इस बात की पुष्टि खुद संजय ने की थी। हालांकि दोस्तों संजय दत्त का एक वीडियो सामने आया है जो कि कपिल शर्मा के शो का है। संजय दत्त कपिल शर्मा शो में अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए गए थे, जिसके चलते कपिल शर्मा ने पूछा कि क्या ये बात सच है कि आपके 300 से ज्यादा लड़कियों के साथ संबंध रह चुके हैं। तो उसका जवाब देते हुए संजय दत्त ने कहा कि नहीं, 300 नहीं बल्कि 340 लड़कियां हैं। संजय के जवाब को सुनने के बाद सभी हैरान हो गए और फिर हंसने लगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि संजय कितने रंगीन मिजाज के आदमी हैं। अब दोस्तों ऐसा ही रंगीन अंदाज संजय का KGF 2 में भी देखने को मिलने वाला है। ये तो हम सभी जानते हैं कि संजय फिल्म में विलन का किरदार निभा रहे हैं और विलन का किरदार मेकर्स रूखा सूखा दिखा नहीं सकते हैं। तो इसमें अधीरा की लव इंटरेस्ट को दिखाया जाने वाला है। अब जो इंसान रियल लाइफ में इतना पॉपुलर हो तो उसे रियल लाइफ में भी कोई ऐसे वैसे सिंगल नहीं दिखा सकता ना। बता दें कि फिल्म में नौरा अधीरा के लव इंटरेस्ट के रूप में नजर आएंगी।